दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि वो कौन सा आर्टिकल था जिसके थ्रू जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, और साथ ही साथ वो कौन सा आर्टिकल था जिसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर अपने रेजिडेंट्स परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन कर सकता था, उनको स्पेशल राइट्स दे सकता था। वो दो आर्टिकल्स बताने हम लोगों ने। तो जो वो आर्टिकल है हमारे, एक आर्टिकल 370, दूसरा आर्टिकल 35। हम पूरा डिटेल में इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों डिटेल में कि 17 अक्टूबर 1949 को इंडिया गिव द राइट टू जम्मू एंड कश्मीर टू रिटेन इट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग एज पर आर्टिकल 370। तो ये 1949 को ही हमको दोस्तों मिल चुका था उस टाइम के लिए। वाइल आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशल, और देख सकते हैं ग्रांट स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 335A जो है हमारा दोस्तों, वो हमें स्पेशल राइट देता है कि हम परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन कर सकते थे, बल्कि ये अब पास्ट बन चुका है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से आपने मैच करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो जैसे गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, इन्होंने क्या क्या काम किया ये आप लोगों ने यहाँ पे बताना है दोस्तों, यहाँ पे डिफाइन करना आगे। तो राइट आंसर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि महाराजा गुलाब सिंह जी जो हैं, इन्होंने लेबर सिस्टम को रिफॉर्म किया, रणबीर सिंह जी ने रघुनाथ टेम्पल बनवाया, और प्रताप सिंह जी ने कॉलेज बनवाए जम्मू और श्रीनगर में दोस्तों। चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग आपने करा, मैच कॉलम करना। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेसिडेंट कब बने, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ग्लम्स कमीशन कब बनाई गई, और प्रजासभा के इलेक्शन कब किए गए, ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने बतानी है। मैं आपको राइट आंसर इसका बता देता हूँ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है प्रेसिडेंट बने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 1932 में, क्योंकि 1932 में ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोस्तों बनाई गई थी, जो आज हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिखाई देती है एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस। ग्लेंसी कमीशन 1931 में बनाई गई थी, और प्रजासभा इलेक्शन जो 1934 में दोस्तों किए गए थे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब्दुल कादिर खान वो डिसाइपल किसके थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अब्दुल कादिर खान के बारे में कि ये किसके डिसाइपल हुए हैं दोस्तों अब्दुल कादिर खान। तो राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अब्दुल कादिर खान जो है दोस्तों ये हुए मौलाना जमाल उद्दीन अफगानी के डिसाइपल दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखें कि अब्दुल कादिर खान गाजी जो थे ये डिसाइबल थे मौलाना जमालुद्दीन अफगानी के, एक फॉरमोस्ट मुस्लिम फिलासफर थे 20वीं सेंचुरी के, जो जिन्होंने विजिट किए थे कश्मीर को इस टाइम पे आए थे ये। तो अब्दुल कादिर खान गाजी जो है ये मौलाना जमालुद्दीन अफगानी के डिसाइबल हुए दोस्तों। चलते आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि हु इनिशिएटेड डिमोस्ट्रेशन अगेंस्ट महाराज हरि सिंह फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। तो महाराजा हरि सिंह जो हमारे आखिरी महाराजा हुए जम्मू कश्मीर के, उनके खिलाफ यहाँ पे किसने डिमोस्ट्रेशन शुरू की थी। तो डिमोस्ट्रेशन शुरू करने वाले बंदे का नाम दोस्तों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इनके बारे में अगर हम लोग देखें कब शुरू की, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कश्मीरी यूथ थे, एजुकेटेड थे, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने देखा कि बड़ी ही कंडीशन जो है कश्मीर की अच्छी नहीं है, और उन्होंने सोचा कि हमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए और इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के अंडर जो डेमोस्ट्रेशन शुरू कर दी डोगरा महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ।